हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग, एक बार मुझे कमेंट करिएगा। सभी लोग ठीक हैं? ओके, सुरेंद्र कुमार आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमा, रिटन बाय जेन ऑस्टिन। लास्ट डे मैंने इस नोवेल को डिटेल में कम्प्लीट करा दिया था, इसके सभी करेक्टर्स बता दिए थे और जो भी जेन ऑस्टिन के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट थे वे भी सभी बता दिए थे। आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम एमा, जो कि नोवेल है जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अगर इस नोवेल की बात करें तो ये नोवेल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसको लर्न करना, इसकी स्टोरी प्लॉट को लर्न करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको एनालाइज करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि ये क्लास करने के बाद में आप दोबारा फिर इसको देखेंगे नहीं तो भी आपका ये कंप्लीट बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो सभी लोगों को आ जाने दीजिए, 2-3 मिनट के बाद में मैं इसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग से जब आप लोग इस क्लास को देखोगे तभी ये कंप्लीटली आपकी समझ में आ पाएगा। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया है ना। चलिए, जितेंद्र, प्रीति, प्रियंका और मनीष सिंह, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी से, है ना, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। कितने लोग हैं लगभग हमारे पास? ओके, संदीप कुमार, पार्थ घोष, नीलम कुमारी, कल्पना, अफशाना, यास्मीन और सुपर सुपर भाई, सुपर सुपर कौन है, और पम्मी कुमारी। तो स्टार्ट करते हैं कहानी की शुरुआत। सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ में फिर से कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। हमारी कहानी है एमा, ठीक है ना। एमा की जो प्रोटोगोनिस्ट यानी के हीरोइन है उसका नाम है एमा। इसका कंप्लीट नेम विद सर टाइटल एमा वुडहाउस, ये हमारी कहानी की हीरोइन है, ठीक है ना। इसकी माँ गुजर चुकी हैं बट इसके फादर अभी जीवित हैं। इसके फादर का नेम है मिस्टर हेनरी वुडहाउस, ठीक है ना। ये वुडहाउस लगा हुआ है, इसी वजह से एमा का जो टाइटल है वो भी वुडहाउस है, यानी कि ये टाइटल है इसका। इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है इसबेला नाइटली। सिस्टर का नेम है इसबेला नाइटली। इसका टाइटल इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसकी जो शादी हुई है वो जॉन नाइटली के साथ में हुई है, ठीक है ना। जॉन नाइटली कौन है? ये मिस्टर नाइटली का भाई है, ठीक है ना, मिस्टर नाइटली का भाई है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है जॉन नाइटली, ये एमा का बोल सकते हैं कि जीजा है ना, और ये जो मिस्टर नाइटली है ये इसका देवर है, यानी कि ब्रदर इन लॉ है। मैं हिंदी में बता देता हूँ, तो जब ये इसबेला का ब्रदर इन लॉ है तो ये आपकी एमा का भी ब्रदर इन लॉ हुआ, क्लियर है, याद रखेंगे। तो ये कहानी के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट थे। अब यहां पर हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस एनी टेलर। इसको आप लोग तरीके से समझ लीजिएगा, इसका कभी कभी ओरिजिनल नेम आपके सामने देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी कभी ये टेलर के नाम से आएगी तब भी आपको समझ लेना है कि ये वही कैरेक्टर है। कभी कभी ये मिस टेलर के नाम से आएगी तब भी आपको समझ लेना है। कभी कभी ये मिस एनी टेलर के नाम से आएगी तब भी समझ लीजिएगा। तो मिस एनी टेलर कौन है? गवर्नेस है। कौन है ये? ये गवर्नेस है। ये गवर्नेस किसकी है? एमा वुडहाउस की गवर्नेस है, क्योंकि एमा वुडहाउस को मिस एनी टेलर ने ही ब्रिंग अप किया है, मतलब पालन पोषण किया है, क्योंकि एमा की माँ गुजर चुकी है, ठीक है ना, और मिस्टर हेनरी वुडहाउस काफी बिजी रहते हैं। तो मिस एनी टेलर यानी कि गवर्नेस भी हैं और इसकी एक अच्छी क्लोज फ्रेंड भी है एमा की, ठीक है। मिसेज वेस्टन, इसको हम मिसेज वेस्टन के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी शादी एमा ने मिस्टर वेस्टन के साथ में करा दी थी। समझते जाइएगा सारी चीजों को। एमा ने मिस एनी टेलर की शादी मिस्टर वेस्टन के साथ करा दी थी, ठीक है ना, जो कि मैंने यहां नोट कर दिया, जिसके कारण इसको हम मिसेज वेस्टन के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर वेस्टन का एक बेटा है जो कि इनकी पहली वाइफ के पैदा हुआ था, जिसका नाम है फ्रैंक, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? फ्रैंक। फ्रैंक का जो टाइटल है चर्चिल, वो इसलिए है क्योंकि फ्रैंक अपने मामा मामी के यहाँ पे रह रहा है, जिनको हम मिस्टर एंड मिसेज चर्चिल के नाम से जानते हैं। तो चर्चिल इनका टाइटल है, इस वजह से इसका नाम फ्रैंक चर्चिल हो गया है, ठीक है। ये करेक्टर हो गए आपके। इसके बाद में एक और इंपोर्टेंट करेक्टर है कहानी में, हैरियट स्मिथ। ये काफी इंपोर्टेंट करेक्टर है। हैरियट स्मिथ एमा वुडहाउस की फ्रेंड है, ठीक है ना। मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन एक और करेक्टर है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया था। मिस्टर एल्टन एक और करेक्टर इसमें। जेन फेयरफॉक्स, ये भी हमारी एमा की फ्रेंड है।
और इसके बाद में एक इंपोर्टेंट करेक्टर है अगस्टा, क्लियर। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पूरी कहानी इन्हीं करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ जितने करेक्टर दिए हुए हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा इनसे संबंधित किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, उसके बाद में मैं इस कहानी को बड़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, चलेगा। तुलिका सेन, आसिफ, अफशाना, सभी लोग बताइए ये जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इन कैरेक्टर्स में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन कि कौन कौन है, कौन किसका क्या है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नाज, आसिफ, अफशाना, तुलिका सेन, क्लियर है सारी कहानी, मतलब सारे कैरेक्टर्स क्लियर है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी एमा वुड हाउस के एक कारनामे के साथ में, ठीक है ना। एमा वुड हाउस काफी स्मार्ट, काफी इंटेलिजेंट, काफी सुसज्जित लड़की है, बट ये एक ओवर कॉन्फिडेंट है। किसके लिए? इसने क्या किया है, इसने अपनी गवर्नेस जिसका नाम है मिस एनी टाइलर, ठीक है ना, इसकी शादी मिस्टर वेस्टन के साथ में करा दी है। मिस एनी टेलर की शादी मिस्टर वेस्टन के साथ में करा दी है। मिस्टर वेस्टन ऑलरेडी शादीशुदा थे, जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई, उस वाइफ से उनके जो बेटा पैदा हुआ था वो फ्रैंक था, ठीक है ना। तो जब मिस एनी टेलर और मिस्टर वेस्टन की शादी हो जाती है तो एमा को ऐसा लगता है कि एमा बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है और अब वो किसी की भी शादी करा सकती है, है ना। इसको एक चस्का लग जाता है मैच मेकिंग का कि चलिए अब मैं शादी कराना स्टार्ट करूंगी। इस कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉन नाइटली, सॉरी मिस्टर नाइटली। मिस्टर नाइटली का अगर पूरा नाम आ जाए तो आप याद रखेंगे जॉर्ज नाइटली, ठीक है, क्या रखेंगे, जॉर्ज नाइटली। ये जॉन नाइटली का भाई है, मतलब इसबेला नाइटली का ब्रदर इन लॉ है। तो मिस्टर नाइटली को ये चीजें पसंद नहीं आती, वो शुरुआत में ही मिस्टर नाइटली एमा वुड हाउस को डिस्करेज करता है इस काम के लिए कि वो मैच मेकिंग करा रही है। वो कहती लड़कियों के लिए ये काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम कोई और अच्छा काम करो, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता। तो इसी बात से एमा वुड हाउस और मिस्टर नाइटली जो कि इसका ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसकी बहन का ब्रदर इन लॉ है, एक तरीके से इसका जीजा है ना, इसके साथ में इसकी हमेशा अनबन रहती है। He is only one critic to Emma Woodhouse. ये अकेला एक ऐसा कैंडिडेट है पूरी कहानी में जो एमा को क्रिटिसाइज करता है, ओके? चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है हैरियट स्मिथ। हैरियट स्मिथ एमा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही सादा सिंपल और लेकिन लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है ये। तो हैरियट प्यार करती है रॉबर्ट मार्टिन से, समझते जाइएगा, हैरियट प्यार करती है रॉबर्ट मार्टिन से बहुत ज्यादा, बहुत पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती है। जैसा कि मैंने बताया एमा वुड हाउस को ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत बड़ी हो गई है और अब वो किसी की भी शादी करवा सकती है। तो हैरियट स्मिथ से एमा कहती है कि भाई एक काम कर, तू इस गवार से, इसको वो गवार बोलती है क्योंकि ये क्या है, ये एक फार्मर है, यंग फार्मर है, एजुकेटेड फार्मर है, लेकिन फार्मर है। तो इसको ऐसा लगता है एमा को कि हैरियट के ये मेल का नहीं है। हैरियट से कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी को डिजर्व करती हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना, एजुकेटेड होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए, बट रॉबर्ट मार्टिन क्या है, एक पीजेंट, एक किसान है, तो तुम एक काम करो, इसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो हैरियट स्मिथ एमा की बातों में आकर रॉबर्ट मार्टिन से ब्रेकअप कर लेती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, हैरियट स्मिथ की शादी एमा वुड हाउस मिस्टर एल्टन से करवाने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि हैरियट स्मिथ तुम मिस्टर एल्टन से शादी कर लो, क्योंकि मिस्टर एल्टन जो है वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और काफी ज्यादा पैसे वाले भी हैं। तो हैरियट इस बात को मान जाती है। तो हैरियट और मिस्टर एल्टन की एमा वुड हाउस क्या कराती है, मीटिंग कराती है। ध्यान रखिएगा, क्या कराती है, मीटिंग कराती है। तो जब मीटिंग कराती है तो मिस्टर एल्टन हैरियट को बहुत उल्टा सीधा कहता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हैरियट पैसे वाली नहीं है। मिस्टर एल्टन जो है वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, डोरी में वो बहुत सारी धन दौलत लेकर आए। हैरियट गरीब है तो मिस्टर एल्टन हैरियट को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ जब आता है जब मिस्टर एल्टन खुद अपने आप एमा वुड हाउस को प्रपोज कर देते हैं, इसी को प्रपोज कर देते हैं जो मतलब बिचौलिया बनकर आता है, क्योंकि मिस्टर एल्टन को ऐसा लगता है
एमा वुड हाउस उसको पसंद करती है। तो मिस्टर एल्टन ने जब एमा को प्रपोज किया तो हैरियट को बहुत बुरा लगा। हैरियट ने मन में सोचा कि एमा तो मेरी शादी करवाने आई थी और ये मिस्टर एल्टन खुद एमा से शादी करना चाहते हैं। तो क्योंकि एमा मिस्टर एल्टन की हैरियट से शादी करवाना चाहती थी, इस वजह से एमा ने मिस्टर एल्टन से मना कर दिया कि भाई मैं तो तुम्हारी शादी हैरियट के साथ में करवाना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मैं तुम्हें पसंद थोड़ी करती हूँ। इस बात से मिस्टर एल्टन हो जाते हैं नाराज, ठीक है ना। नाराज होकर ये इस शहर को जहां पर ये लोग रहते हैं वहां से छोड़कर चले जाते हैं, और वो शहर होता है बात, ठीक है ना, ये बात नामक जगह पर चले जाते हैं। तो ये कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि मिस्टर एल्टन ने बात में जाकर एक लेडी थी जो काफी रिच थी, जिसका नाम था अगस्टा एल्टन, ठीक है ना। तो मिस्टर एल्टन शादी कर लेते हैं किसके साथ में, अगस्टा एल्टन के साथ में, जो काफी ज्यादा रिच थी। क्लियर, ये करेक्टर हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद में हमें एक और कहानी का करेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है फ्रैंक चर्चिल। कहां पर है ये रहा। तो ये फ्रैंक चर्चिल है, ये लंदन में रहता है अपने चर्चिल यानी के अंकल आंट के पास में। कुछ दिनों के लिए ये अपने फादर से मिलने के लिए इंग्लैंड आया है। तो एमा को ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसको थोड़ी सी पसंद भी करने लगती है, मतलब लट्टू हो जाती है उस पर, सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूं। बट ये क्यूरियोसिटी इसके अंदर हमेशा नहीं रहती। फिर अचानक इसके माइंड में आता है कि फ्रैंक चर्चिल मेरे लिए नहीं है, फ्रैंक चर्चिल की शादी मैं किससे करवा दूं, मैं हैरियट से करवा दूंगी। एक शादी करवाने की कोशिश की तो वो शादी उसकी फ्लॉप हो गई। फिर दोबारा से उसको जब फ्रैंक चर्चिल दिखा तो उसने सोचा, पहले तो ये सोचा कि ये मुझे ही अच्छा लग रहा है, बट वो कंफ्यूज थी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए उसने फ्रैंक चर्चिल की शादी हैरियट स्मिथ से करवाने के लिए बोल दिया कि हैरियट स्मिथ की शादी हो जानी चाहिए, इन दोनों का मैच बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर हमने एक कहानी का एक टाइटल और देखा जिसका नाम है, सॉरी करेक्टर और देखा, मिस एनी टेलर। ये कौन है, गवर्नेस है। अब मिस गवर्नेस ये कहती है कि फ्रैंक चर्चिल की जो शादी है वो मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन के साथ में होनी चाहिए, सॉरी कहाँ गया जेन, इसमें हमने एक करेक्टर नहीं लिखा। हाँ ये रहा, मिस्टर फ्रैंक चर्चिल की जो शादी है वो जेन फेयरफॉक्स के साथ में हो जानी चाहिए क्योंकि इनका इनकी जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। जेन एक अनाथ लड़की है, ठीक है ना, जेन एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। ये अपनी ग्रैंड मदर के पास में रहने आ रही है जिसका नाम है मिस बेट्स, ठीक है ना, मिसेज बेट्स, याद रखेंगे मिसेज बेट्स। तो जेन फेयरफॉक्स की शादी फ्रैंक चर्चिल के साथ में करवाने की सोचती है मिस एनी टेलर। ये सोचती है कि फ्रैंक का और जेन का बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा और इनकी शादी हो जानी चाहिए। मैं इसको पहले इरेज कर दूं क्योंकि बहुत सारी लाइनें हो गई हैं, है ना। चलिए, तो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। चलिए, तो इसके बाद में यानी कि मिस एनी टेलर ने कहा कि फ्रैंक चर्चिल की शादी जेन फेयरफॉक्स के साथ में हो जानी चाहिए क्योंकि इनका मैच बहुत अच्छा है। इधर कहानी में थोड़ा सा मोड़ और आता है। मोड़ क्या आता है कि जो हैरियट है जिसकी शादी जेन सॉरी जिसकी शादी एमा फ्रैंक चर्चिल से कराने की सोच रही थी, ठीक है ना, जिसकी शादी एमा फ्रैंक चर्चिल से कराने की सोच रही थी, क्या होता है कि वो ये कहती है कि मुझको मिस्टर नाइटली पसंद है। हैरियट स्मिथ क्या कहती है, मुझको मिस्टर नाइटली पसंद है और मैं नाइटली को प्रपोज करने वाली हूँ। ये बात सुनकर एमा को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एमा को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कहानी में कि वो भी मिस्टर नाइटली को पसंद करती है। तो इस चीज से जब हैरियट ये कहती है कि मैं मिस्टर नाइटली को पसंद करती हूँ, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, तो एमा को थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, हैरियट स्मिथ से थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। अब एमा को इस चीज का डर है कि हैरियट कहीं जाकर मिस्टर नाइटली को प्रपोज नहीं करते, ठीक है ना। इसी बीच में कहानी ये होती है कि कुछ लोग जो कहानी की कहानी के जो बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एमा वुडहाउस और फ्रैंक चर्चिल का बहुत ज्यादा मेल मिलाप चल रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो को फ्रैंक चर्चिल और एमा वुडहाउस दोनों आपस में शादी कर लें, ठीक है। एक सस्पेंस ये चल रहा है, एक सस्पेंस ये चल रहा है कि एमा वुडहाउस जो है वो फ्रैंक चर्चिल की शादी किसके साथ करवाने की कोशिश कर रही थी, हैरियट स्मिथ के साथ में। तो मिस्टर नाइटली इससे कहते हैं, मिस्टर नाइटली इससे कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो फ्रैंक चर्चिल जो है वो तुम कह रही हो वहां शादी नहीं करेंगे, वो कहां करेंगे,
वो शादी करेंगे जेन फेयरफॉक्स के साथ में। किसके साथ में करेंगे? जेन फेयरफॉक्स के साथ में करेंगे। तुम इस चीज को लिखवा के ले लो मुझसे, मतलब इन दोनों में एक बैट लग जाती है। अब कहानी में क्या होता है, कहानी थोड़ी सी बदलती है। कहानी में पेयर बनने का नंबर आता है, तो रियलिटी में होता क्या है कि फ्रैंक चर्चिल जो है वो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं जेन फेयरफॉक्स से। ध्यान रखिएगा, फ्रैंक चर्चिल रियलिटी में शादी कर लेते हैं जेन फेयरफॉक्स से साथ में, सीक्रेटली यानी छुपकर। अब जब ये सीक्रेटली शादी कर लेते हैं तो फ्रैंक चर्चिल अपनी आंट के पास रह रहा था, मतलब मिस्टर चर्चिल और मिसेज चर्चिल के पास में। तो इस चीज को सुनकर इनकी जो आंट थी मिसेज चर्चिल वो सदमे में मर जाती हैं। इनके अंकल को बहुत गुस्सा आता है, फ्रैंकी के अंकल को गुस्सा आता है और वो इस शादी को डिसअप्रूव कर देता है। तो इनके लड़ाई झगड़े को देखकर जो जेन फेयरफॉक्स है, जिसको मिस्टर एल्टन ने एक गवर्नेस की जॉब दिलवा दी थी, वहां पर दोबारा चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये पुअर लड़की थी, ये गवर्नेस बनना चाहती थी, तो मिस्टर एल्टन ने इसको गवर्नेस बनवा दिया था। और जब फ्रैंक चर्चिल से इसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इसके जो अंकल हैं वो इस शादी को अप्रूव नहीं करते, जब ये डिस्क्लोज हो जाता है मामला के फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफॉक्स ने सीक्रेटली शादी कर ली है, तो एक तरीके से इनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से फ्रैंक अपने अंकल को मना लेता है और उसके बाद में जेन और फेयरफॉक्स दोनों साथ में हो जाते हैं। तो हमारा एक पेयर बन गया। अब कहानी में थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है कि अचानक मिस्टर नाइटली, जिसके बारे में एमा को डर लग रहा था कि कहीं हैरियट स्मिथ जाकर मिस्टर नाइटली को प्रपोज नहीं कर दे, क्यों? क्योंकि एमा वुडहाउस मिस्टर नाइटली को पसंद करना शुरू कर चुकी थी। वो अचानक जाते हैं और मिस्टर नाइटली एमा को प्रपोज कर देते हैं। एमा इनके प्रपोजल को, मिस्टर नाइटली के प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। क्लियर। अब कहानी में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर बचे? हमारे पास बचे रॉबर्ट मार्टिन, ठीक है ना। अब मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन और हैरियट स्मिथ, लास्ट में जाकर कहानी ये होती है कि मिस्टर हैरियट स्मिथ और मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि इस कहानी में और कुछ नहीं है, बस यही है कि कौन किससे शादी करता है, ये कंफ्यूजिंग रहता है। अब कहानी का जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि सभी लोग आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी कौन किससे करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि एमा ने शादी करवाई थी गवर्नेस की, मिस एनी टेलर की, किसके साथ में? मिस्टर वेस्टन के साथ में, ठीक है ना। एमा की शादी किससे होती है? मिस्टर जॉर्ज नाइटली के साथ में, जो कि इसका ब्रदर इन लॉ होता है। इसके बाद में जेन फेयरफॉक्स की शादी किसके साथ हुई थी? फ्रैंक चर्चिल के साथ में, जो कि सीक्रेट मैरिज हुई थी, बाद में इसको अप्रूव कर दिया गया था। हैरियट स्मिथ, मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन, ये वो पहला कपल है जिसकी शादी ऑफिशियली होती है कहानी में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे इसकी शादी ऑफिशियली की जाती है। और मिस्टर एल्टन और अगस्टा एल्टन, इसकी शादी तो हो चुकी थी क्योंकि ये एक रिच लेडी से शादी करना चाहता था, और अगस्टा एल्टन एक रिच लेडी थी, ठीक है। तो ये हमारी कहानी मैंने बड़े ट्रिक के साथ में आपको समझा दी। अब मुझे बताइए कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको इसका एक डिटेल नोट भी दे दिया है, जिसको पढ़कर भी आप लोग समझ सकते थे, बट क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा अलग अलग लाइनें अलग अलग जगह पर जाती हैं, मैच नहीं हो पाती, तो मैंने आपको सारे करेक्टर्स लाइन वाइज रखने के बाद में इनको सीक्वेंस से लगाकर इनकी कहानी को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए कंप्लीटली बता दिया है। अब आप लोग अपने मन में क्वेश्चंस को सोचिए, विचार करिए और मुझे पूछिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिएगा।